Dear students, good morning. Class 6, History Chapter 3. Our today chapter is The Seeds of a Revolution, yani Kranti ke Beej. The Neolithic Age. The Neolithic Age was the last phase of the Stone Age. Neolithic Age को Stone Age का last age यानी last युग कहा जाता है. During the Neolithic Age, a variety of development resulted in a tremendous change in the lifestyle of the early human. यानी Neolithic Age के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए और बहुत सारे चीज़ों का विकास हुआ मानव के जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल में. ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बिगेन टू सेटल डाउन एंड स्टार्टेड फार्मिंग, यानी इसी समय में हम मानव एक जगह पर रहना शुरू कर दिए, और एक जगह पर रहने का सबसे बड़ा कारण हुआ कि खेती शुरू कर दिया गया. दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड कैटल, हॉर्स एंड अदर एनिमल. उसके बाद इसके अलावा, फार्मिंग के अलावा, हम लोग मवेशी, घोड़ा और दूसरे जानवर का पालन पोषण करना शुरू कर दिए. नाउ दे हैड ए कंटिन्यू सप्लाई ऑफ मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट. उसके बाद हम लोगों का लगातार दूध का सप्लाई करना, दूध से बने हुए सामान का और मीट का. अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड वॉज द व्हील. उसके बाद दूसरा आविष्कार जो हुआ इस काल में, वह चक्के का आविष्कार. इम्प्रूव स्टोन टूल्स, स्टोन के पत्थर के औजार में सुधार करना, सच एज ब्लेड एंड ब्यूरिंस वी आर यूज. ब्लेड्स और ब्यूरिंस को यूज किया जाने लगा. दीज ब्लेड्स वी आर सो शार्प एंड दे आर सरफेस सो स्मूथ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट देम इन मॉडर्न टाइम्स. ये जो ब्लेड थे, ये इतने शार्प थे, इतने तेज़ थे, और इनके सरफेस इतने चिकने थे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट देम इन मॉडर्न टाइम. सो स्मूथ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट देम इन मॉडर्न टाइम, यानी अभी जो औजार बनाए जा रहे हैं वो हूबहू उसी का नकल है. ड्यू टू दिस फार रीचिंग चेंज, इस तरह से जो काफ़ी बदलाव हुए, दिस फेज वॉज ऑल्सो बीन टर्म्ड एज द न्योलिथिक रिवोल्यूशन. इसलिए इतने सारे बदलावों को मद्देनज़र देखते हुए न्योलिथिक रिवोल्यूशन का नाम दिया गया, द न्योलिथिक रिवोल्यूशन. ह्यूमन सो द सीड्स ऑफ फार्मिंग. उसके बाद मानव जो है वह बीज बोकर खेती करना शुरू कर दिया. द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग लाइफ स्टाइल टू वन ऑफ द कल्टिवेशन डिड नॉट टेक प्लेस सडनली. द ट्रांजिशन फॉर ए ह्यूमन गैदरिंग लाइफ स्टाइल, मतलब मानवों का जो गैदर करने का जो लाइफ स्टाइल था, वन ऑफ द कल्टिवेशन, वह खेती करने में सडनली एकाएक तो बदलाव नहीं हुआ. इट इज़ नॉट नोन हाउ फार्मिंग वॉज डिस्कवर्ड. इट इज़ नॉट नोन, वो लोग नहीं जानते कि कैसे फार्मिंग को खोजा गया. परहैप्स वन डे, लेकिन एक दिन की बात है, मतलब यह कहना स्पष्ट नहीं है कि फार्मिंग के मेथड को कैसे खोजा गया, लेकिन शायद वन डे, एक दिन, द अर्ली ह्यूमन थ्रू सम सीड्स ऑन द सॉयल, कुछ बीज को सॉयल में फेंका गया. एंड वेयर अमेज्ड टू सी दैट प्लांट स्प्राउटेड फ्रॉम देम, तब उसमें देखा गया कि उसमें से, बीज में से पौधे निकल रहे हैं. इट इज़ बिलीव दैट फार्मिंग बिकम ए वे ऑफ लाइफ एज द क्लाइमेट बिकम वार्मर. इट इज़ बिलीव दैट, यह ऐसा विश्वास था कि फार्मिंग बिकम ए वे ऑफ लाइफ, यानी
खेती करना जो है हमारे ज़िंदगी का एक मतलब मकसद हो है। एज द क्लाइमेट बिकम वार्मर, जैसे जैसे वातावरण गर्म होते गया, एज द ह्यूमन पॉल्यूशन पॉपुलेशन बिगेन टू इंक्रीज, मानव जाति उसका मतलब फार्मिंग को बढ़ाते चले गए। देयर वॉज ए ग्रेट डिमांड फॉर फूड विच कुड नॉट बी मीट बाई हंटिंग एंड गैदरिंग एलोन, उसके बाद भोजन का मांग बढ़ने लगा और वह हंटिंग और गैदरिंग से सिर्फ पूरा नहीं हो पाता। पीपुल स्लोली लर्न द टेक्निक ऑफ सोइंग सीड्स, उसके बाद धीरे धीरे लोग बीज बोने का टेक्निक सीखने लगे। ग्रोइंग प्लांट एंड फाइनली हार्वेस्टिंग देम, उसके बाद अनाज उपजाने लगे और फाइनली उसको हार्वेस्ट करने लगे। इट ऑल्सो मीन दैट पीपुल डिड नॉट हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ऑफ फूड। इट ऑल्सो, इसका मतलब यह भी है कि पीपुल डिड नॉट हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, चूँकि लोग बहुत लंबे दूरी तक नहीं जा सकते भोजन की खोज में। इनस्टीड दे कुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, उसके बाद वो लोग उसके बदले घर बनाना शुरू किए। दैट वे आर परमानेंट एंड वुड गिव देम प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, जहाँ घर में उन लोगों को सुरक्षित रहने का जगह मिलता और एक ही जगह रहना शुरू कर दिए। द फर्स्ट प्लांट कल्टिवेशन ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज वेयर वीट बार्ली फिग ओट्स एंड टॉल ग्रासेज, पहली बार जो खेती की गई न्योलिथिक एज में वह गेहूं की, बार्ली की, फिग्स की, ओट्स की एंड टॉल ग्रासेज की। वंस ग्रेन्स वेयर कल्टिवेटेड, जब एक बार अनाज उपजा दिया जाता, दे नीड्स टू बी स्टोर्ड, उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए। हेंस ग्रैनरीज वेयर कंस्ट्रक्टेड, तो उसके लिए गोदाम बनवाने की जरूरत पड़ी। विच अलाउ दिस ग्रेन टू कलेक्टेड एंड स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद उस ग्रेन को जमा करके उसको स्टोर करके लंबे समय तक रखने की बात की गई। दस इस प्रकार फ्रॉम फूड गैदर द न्यूलिथिक पीपल नाउ बिकम फूड प्रोड्यूसर। न्यूलिथिक काल में जो लोग थे वो अब फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। न्यूलिथिक साइट हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। न्यूलिथिक साइट जो मेहरगढ़ जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ पाया गया है, खुदाई के दौरान पता चला है। विच सो ट्रेसेज ऑफ वीट एंड बार्ली कल्टिवेशन, जहाँ से बार्ली और वीट को उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। हर्डिंग ऑफ सीप्स कैटल एंड गोट, यानी भेड़िया मवेशी और बकरियों को पालन करने के भी साक्ष्य मिले हैं। अदर साइट हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड एट लाहौर देवा, दूसरे भी साइट जो खोज किए गए हैं लाहौर देवा नियर द गिगंटिक प्लेन बुर्जा होम इन कश्मीर, कश्मीर के बुर्जा होम गिगंटिक प्लेन के पास। उसके बाद चिरंदिन बिहार, बिहार के चिरंद में। उसके बाद पिकलीहाल इन रायचूर, ये सब जगह का नाम है, ये सब जगह पर पता चला है खुदाई के दौरान इतिहासकारों को। तालकोटा इन हल्लूर इन कर्नाटका, पेम्पल्ली इन तमिलनाडु एंड उटनूर इन तेलंगाना, इन सारे जगहों पे साक्ष्य पाए गए हैं। डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना। When people started farming, it also became important to keep useful animals close at hand. जब लोगों ने खेती करना शुरू किया, it also became important to keep useful animal. उसके बाद यह भी जरूरी हो गया कि जानवरों को, जो हमारे उपयोग के लायक जानवर हैं, उनको पालतू बनाया जाए। सम ऑफ द अर्लीस्ट एनिमल दैट वी आर डोमेस्टिकेटेड बाई द न्यूलिथिक पीपुल वी आर काउ, और
निलोथिक पीपल के द्वारा जो पालतू जानवर पाले जाते थे उसमें काउ, सीप, गोट एंड डॉग्स थे। दीज एनिमल प्रोवाइडेड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वीट, मिल्क, मीट एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जानवर से उस समय के लोगों को दूध, मीट और अदर डेयरी प्रोडक्ट प्राप्त होता। दे यूज एनिमल स्किन टू मेक देयर क्लोथ्स, और एनिमल के स्किन का इस्तेमाल कपड़े बनाने में। बुलॉक्स हॉर्सेज एंड डंकी वेयर लेटर यूज टू प्लो द फील्ड। बुलॉक्स हॉर्सेज एंड डंकी का इस्तेमाल बाद में खेत को जोतने में किया जाने लगा। सम एनिमल वेयर आल्सो यूज टू ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद कुछ जानवरों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में भी किया जाने लगा। इन्वेंशन ऑफ द व्हील। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज ए मेजर लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। चक्के का आविष्कार एक महत्वपूर्ण है मानव के सभ्यता के विकास में। दो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली नोन हाउ द व्हील वॉज इन्वेंटेड, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि व्हील वॉज इन्वेंटेड, मतलब एग्जैक्टली यह कहा नहीं जा सकता कि व्हील का इन्वेंशन कैसे किया गया। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हील डेट बैक 3500 BCE मेसोपोटामिया इन मॉडर्न डे इराक। वर्तमान में जो इराक जगह है वहाँ पहले मेसोपोटामिया जिसको बोलते थे वहाँ पे व्हील के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ईसा पूर्व 3500 साल पहले, यानी अभी से 5520 साल पहले। द यूज ऑफ व्हील मेड लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल। चक्के के आविष्कार के बाद जिंदगी और आसान और आरामदायक हो गया। द पोर्टर्स व्हील वॉज यूज टू मेक बेटर पोर्ट्स। बर्तन बनाने वाले जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्हील्स थे उस पर बेहतर बर्तन बनाया जाता। पीपुल कुड नाउ मेक व्हील कार्ट एंड चैरियट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर कैरिंग लोड्स। उसके बाद लोग धीरे धीरे चक्के का इस्तेमाल बैलगाड़ी और रथ के रूप में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टमटम के रूप में करने लगे, वजन ढोने के इस्तेमाल में। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड लाइफ इजियर एंड मोर कम्फर्टेबल फॉर अर्ली ह्यूमन्स। सम टाइम लेटर पीपुल मेड द स्पिनिंग व्हील टू स्पिन थ्रीड, यानी कुछ समय बाद लोग जो है स्पिनिंग व्हील बनाना शुरू किए। रोलर स्लीज, स्लीज ऑन रोलर, स्लेज ऑन रोलर बीच वाज बिकम ग्रोव्ड विद यूज। ये सारे जो धीरे धीरे जो बनाया जाने लगा उसका फिगर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। व्हील्ड एंड एक्सल इन वन पीस, द एक्सल फिक्स्ड द पीस, व्हील ज्वाइन एक्सल फिक्स्ड इन क्रड बियरिंग पोटरी। बर्तन मिट्टी के पोटरी। एज पीपुल बिगन फार्मिंग एंड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ, जब उस समय के लोग खेती करना और एक जगह पे सेटल होकर के रहना शुरू किए, इट वॉज नेसेसरी टू स्टोर ग्रेन, यह आवश्यक हो गया कि अनाज को कैसे स्टोर किया जाए, फूड, मिल्क एंड वाटर को। द यूज ऑफ पोटरी वॉज क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। उसके बाद बर्तनों का इस्तेमाल करना कॉमन हो गया नियोलिथिक एज के समय। विद द हेल्प ऑफ द पोटर व्हील पीपुल मेड पोट्स। पोटर व्हील्स के द्वारा लोग बर्तन बना लिया करते। ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, अलग अलग आकार के बर्तन जरूरत के हिसाब से बनाए जाते। दो द अर्ली पोटरी वॉज वेयर, इट वॉज सून डेकोरेटेड एंड, तब जाकर के जो पुराने पोटरी थे वह धीरे धीरे बाद में सजाया जाने लगा। एंड पेंटेड विद डिफरेंट कलर एंड डिजाइन, उसके बाद डिफरेंट कलर और डिजाइन में उसका पेंटिंग किया जाने लगा।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग आगे करके रखना। दैट्स इट।